हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्ब्स मैगजीन के बारे में, फोर्ब्स क्या है, कौन और कैसे इसमें फीचर होते हैं, और इसके साथ ही बताएंगे इंडिया के यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट बिलियनर कौन है। वैसे तो फोर्ब्स के बारे में काफी लोगों को पता है, बट कई लोगों को नहीं पता। तो आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आप सभी को इजी वे में बताने की कि फोर्ब्स क्या है। इसके लिए वीडियो के एंड तक जरूर करें। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भाई कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफी मोटिवेशन मिलेगी और बेटर काम करने की, और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फोर्ब्स मैगजीन होती क्या है? अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, फाइनेंसेस या इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो आपने कभी ना कभी फोर्ब्स के बारे में जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा। अगर नहीं तो आज आपको पता लग जाएगा। फोर्ब्स एक बिजनेस मैगजीन है, ये नॉर्मल मैगजीन्स की तरह नहीं है, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर करती है। ये एक बाय वीकली बिजनेस मैगजीन है जो जानी जाती है बिजनेस, फाइनेंसेस, इन्वेस्टिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप की कवरेज को लेकर, एंड इट ऑल्सो रिपोर्ट्स ऑन रिलेटेड टॉपिक्स सच एज कम्युनिकेशन, साइंस, लॉ, पॉलिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। 1971 में बीसी फोर्ब्स ने इसे फाउंड किया था और तब से लेके आज तक ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिजनेस पब्लिकेशन है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। फोर्ब्स को मोस्टली जाना जाता है इसकी लिस्ट से रैंकिंग की वजह से, जिसमें आते हैं द फोर्ब्स 400, इसमें रिचेस्ट अमेरिकन के बारे में छपता है, द फोर्ब्स ग्लोबल 2000, इसमें अमेरिका के वेल्थीस्ट सेलिब्रिटीज एंड वर्ल्ड की टॉप कंपनीज को फीचर किया जाता है, और इसमें फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपल एंड द वर्ल्ड्स बिलियनर्स भी शामिल है। फोर्ब्स का मोटो भी है चेंज द वर्ल्ड। फोर्ब्स के एडिशन आपको 40 से ज्यादा लोकल लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, जिसमें फोर्ब्स इंडिया भी इंक्लूडेड है। फोर्ब्स को उसकी एनुअल लिस्ट से भी जाना जाता है, इंक्लूडिंग फोर्ब्स 400 लिस्ट एंड द 30 अंडर 30 लिस्ट ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स एंड इनोवेटर्स। फोर्ब्स फीचर करता है वाइड रेंज ऑफ पीपल को, इंक्लूडिंग एंटरप्रेन्योर, बिजनेस लीडर, इन्वेस्टर, सेलिब्रिटीज एंड अदर इन्फ्लुएंशियल फिगर फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज। इसको थोड़ा इजी वे में समझते हैं। जो उसमें फीचर होते हैं उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में काफी सक्सेस हासिल की होती है, अपने एक तगड़ा इन्फ्लुएंसर बिल्ड किया होता है लोगों के बीच में। हो सकता है इन्होंने कोई सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा किया हो, कोई इन्वेंशन की हो या कोई बड़ी अचीवमेंट की हो। इसका एक प्रॉपर पिचिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद फोर्ब्स के एडिटर एंड रिपोर्टर्स डिसीजन लेते हैं कि इसमें कौन फीचर होगा, उसकी अचीवमेंट्स, इंपैक्ट एंड पोटेंशियल इंटरेस्ट टू देयर लीडरशिप के बेसिस पर। अभी रिसेंटली फोर्ब्स बिलियनर 2023 लिस्ट आउट हुई है, और इसमें बिल्कुल सरप्राइज होने वाली बात नहीं है कि मुकेश अंबानी इंडिया के और एशिया के रिचेस्ट पर्सन है और वर्ल्ड के 9th रिचेस्ट पर्सन है। अंबानी और अडानी का फोर्ब्स लिस्ट में नाम आना तो कॉमन हो गया है, लेकिन इस साल कुछ और इंडियंस भी हैं जिन्होंने अपने आप को इस लिस्ट में शामिल कर लिया है, जिसमें से काफी इंडियन फीमेल बिलियनर्स भी हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात है। बट क्या आपको पता है इंडिया के यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट बिलियनर्स कौन है? इस साल द यंगेस्ट इंडियन बिलियनर का टैग जिसने अपने नाम किया है वो है 36 साल के निखिल कामत एंड उनके ब्रदर नितिन कामत, जो को फाउंडर्स है जीरोधा द डिस्काउंट ब्रोकरेज के। इसी के साथ द ओल्डेस्ट इंडियन बिलियनर है केशव महिंद्रा, जो चेयरमैन एमेरिटस है महिंद्रा ग्रुप के। और हमारे देश की महिलाएं भी कुछ कम नहीं है, इन्होंने भी फोर्ब्स की लिस्ट में अपने नाम दर्ज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो चलिए जानते हैं कौन कौन है इस लिस्ट में। सबसे पहले सावित्री जिंदल, द इंडियन रिचेस्ट वुमन ऑन फोर्ब्स 37th एनुअल बिलियनर लिस्ट विद अ नेटवर्थ ऑफ $17.5 बिलियन। और इसके बाद रोहिका साइरस मिस्त्री, रेखा झुंझुनवाला, फाल्गुनी नायर एंड और भी काफी फीमेल बिलियनर्स हैं। और इस साल 2023 में इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया है 169 बिलियनर्स का, बट पिछले साल के कंपैरिजन में देखे तो इन सब की कंबाइंड नेटवर्थ की 10% गिर गई है। गाइस, इस भारी गिरावट का एक मेन रीजन गौतम अडानी भी हो सकते हैं, बिकॉज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इन्हें काफी नुकसान हुआ है इनके शेयर्स और बिजनेसेस में। तो गाइस, ये तो होगी फोर्ब्स के बिजनेस लीडर्स की बात। वैसे फोर्ब्स की लिस्ट में आना आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत लगती है और बिजनेस करने के लिए पैसे भी। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या जाना है। फर्स्ट, फोर्ब्स क्या है, इसमें कौन कौन और कैसे फीचर करते हैं, और बिलियनर लिस्ट के बाद। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। एंड कमेंट से बताओ हमने किस यंगेस्ट बिलियनर का नाम लिया है। और मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप सपोर्टिंग अस। Thank you.